हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद कर रही हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे, सेहतमंद होंगे, खुशहाल होंगे और अपना अच्छी तरह से ध्यान रख रहे होंगे। हम सब भी मज़े में हैं। कैसा रहा आपका वीकेंड? हमारा वीकेंड बहुत अच्छा था, खुशी का रिजल्ट डे भी था तो उसकी वजह से और अच्छा हो गया। वो सभी कुछ जो भी हमने इस वीकेंड पर किया आपके साथ इस व्लॉग में मैं शेयर करने वाली हूँ। उठ जाओ सानवी, सब उठ चुके हैं एंड काफी लेट हो गया है। हस्बैंड चाय, सैटरडे को हस्बैंड चाय बनाते हैं। और कोई पंडित जी बोल रहे थे कि लड़के लोगों को सैटरडे एंड ट्यूसडे को किचन में बंद तो करो ना लड़के लोगों को। मैं नहीं कह रही, मैंने कोई पंडित जी की रील देखी थी, वो मेरे इंस्टा में अपने आप ही आ गई थी। तो वो बोल रहे थे कि जो लड़के लोग होते हैं ना मैरिड हैं तो वाइफ की हेल्प करनी चाहिए, नहीं मैरिड है तो मम्मी की, सिस्टर की, जो भी किचन में हेल्प कर रहा है। ट्यूसडे एंड सैटरडे को ज़रूर से किचन में जाएं, रोटी बनाएं, सब्जी बनाएं, नहीं होता है तो कम से कम चाय बनाएं। तो चाय बनाएं, इट्स सैटरडे। वो रील हमें भी भेज देना पंडित जी की, हम उन्हें रिप्लाई करेंगे। मैं वो पंडित जी को फॉलो नहीं करती ना, मैंने सेव करी, नहीं तो मैं भेजती। मिलेगी दोबारा अगर इस तरह का कुछ आएगा तो आई विल सेंड। चाय बनाओ ना, मैं कुछ नाश्ता बनाती हूँ। हां ठीक, बनाता हूं। ओके। एंड मेरा कुचू बाबू इज वाटरिंग प्लांट्स टुडे। इतनी गर्मी हो गई है कि हर रोज अभी वाटर करना पड़ता है, सुबह सुबह ही तेज गर्मी हो गई है। मालूम है तुम्हें कुछ? 40 डिग्री जा रहा है टेम्परेचर। 3-4 दिन से हालत खराब है गर्मी से। पानी भी गर्म आता है, लाइक नहाने जाओ तो शुरुआत के 5-7 मिनट तो इतना उबला पानी आता है। ये तो वैसे ही गर्म पानी से इतना वो करती है, मतलब विंटर्स में भी वो गीजर उसको ऑन करवाना पड़ता है। तो ये इतनी त्रास हो गई है इसके लिए अभी शावर लेना। एंड हस्बैंड अपनी नई बॉटल में पानी भर रहे हैं, धुल लिया था ना इसको? हाँ, 2-3 बार इसकी। मुझे कुछ दोस्त पूछ रहे थे कि कृष्णा को यहाँ के बिठाया हुआ है, ये इन्होंने बिठा रखा है भाई। मैं उन्हें मंदिर में रखती हूँ पर उनको वो यही अच्छे लगते हैं। हाँ रहेगा तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ से क्यों कर लिया वॉश कर लिया? हो गया, आ जाओ। चल आ जाओ। ये चलो निकलो। यप, शानू इज आल्सो रेडी। और शानू के पापा आ रहे हैं। मिस्टर हैंडसम, ये कुर्ता बहुत अच्छा निकला, शर्ट इट इज बहुत सुंदर। चलो वैसे भी हमको आज बहुत दूर जाना है। और स्कूल से है ना जो बच्चों का अवार्ड फेलिसिटेशन प्रोग्राम था उसके लिए स्लॉट्स आए थे कि इस क्लास से इस क्लास तक के बच्चों को इस टाइम पे पहुंचना है। और खुशी क्योंकि 6 to 8 में आती है, वो क्लास 8 में है तो उसका ग्रुप 6 to 8 था, तो इसका टाइम के हिसाब से ही हम लोग पहुँचे थे। क्योंकि ऑडिटोरियम की ना एक सर्टन कैपेसिटी होती है सीटिंग की, और पार्किंग का भी वही सीन होता है, तो हैसल्स ना हो पेरेंट्स को, इस हिसाब से उन लोगों ने स्लॉट्स दिए थे। तो हम लोग जब पहुँचे तो उस वक्त
सोडा स्कूल की तरफ से ही लेट चल रहा था, वो लोग फोर्थ क्लास को ही तभी फेलिसिटेट कर रहे थे। तो वैसे सब अच्छा रहा, खुशी मेरिट से पास हुई है, हम लोगों ने फ़ोटो वोटो खींचा है और उसके बाद फिर हम रस्ते में थोड़ा चाय नाश्ता करते हुए घर आ गए थे। और ये जो क्लिप आप देख रहे हो, ये जो डेट्स की मैं रेसिपी कर रही हूँ, ये मैंने आकर नहीं बनाई थी, ये जो पिछला वीडियो आपने देखा था पूरन पोली वाला, ये उस दिन बनाया था, बट वो ऑलरेडी 30 मिनट लॉन्ग हो चुका था तो मैंने वहाँ नहीं शेयर किया। पर ये बहुत अच्छी रेसिपी है, इंस्टेंट है, बस 3-4 इंग्रेडिएंट आपको चाहिए, 4 इंग्रेडिएंट टू बी प्रिसाइज, और ये इतना अच्छा हेल्दी टाइप का डिज़र्ट बन जाता है, आपको अच्छा लगेगा। तो मैंने यहाँ पे डेट्स ले लिए हैं, बड़े वाले अच्छे डेट्स हैं ये, और बहुत ही बटरी हैं। साथ में मैंने थोड़े पिस्ता ले लिए हैं, इनको छील लिया था, और थोड़े से पिस्ता को मैं चॉप कर लूँगी और थोड़े से होल ही रहने दूँगी। हर एक डेट का क्राउन भी मैंने हटा दिया था और उसमें एक स्लिट भी डाल दिया था और उसको जो सीड है वो निकाल दिया था। और अभी जो इसकी कैविटी है, मैं इसके अंदर बिस्कॉफ स्प्रेड जो होता है वो भर रही हूँ। आप पीनट बटर भी डाल सकते हो, नटेला भी डाल सकते हो, या पिस्ताचियो बटर भी आता है वो भी डाल सकते हो, आमंड बटर डाल सकते हो, जो भी आपको पसंद आता हो या आपके पास अवेलेबल हो, वो वाला बटर अंदर इंसर्ट कर दें। और उसके बाद जो भी नट आप ले रहे हो, जैसे मैंने पिस्ता लिया है तो आप चाहें तो हेज़ल नट ले लें, चाहें तो बादाम ले लें, जो भी आपको पसंद आता हो, अवेलेबल हो, वो आप लेकर के मेरी तरह थोड़ा थोड़ा अंदर रख दीजिए कैविटी में, और थोड़ा सा बारीक चॉप कर लीजिएगा, उसे ऊपर से स्प्रिंकल करेंगे। मैं कैविटी को अच्छे से क्लोज कर रही हूँ सो दैट इसका शेप भी अच्छा बना रहे, और जो इसको आगे चॉकलेट से मैं कवर करूँगी ना, तो चॉकलेट अंदर अंदर भर के जो स्प्रेड है उसका टेस्ट ना ख़राब कर दे। तो सारे को मैं लॉक कर लूँगी, और पिस्ता एंड वाइट चॉकलेट का कॉम्बिनेशन इज़ अमेजिंग, इसलिए मैंने पिस्ता लिए थे तो वाइट चॉकलेट ही थोड़ी सी मेल्ट कर ली है। आप डार्क चॉकलेट, मिल्क चॉकलेट भी ले सकते हो, और बस एक एक खजूर को इस तरह से कोट करके रखते जाइए। और मैं कोट करते जा रही हूँ खजूर को चॉकलेट के अंदर, और खुशी इनको टॉप कर रही है, गार्निश कर रही है जो चॉप किए हुए पिस्ताज थे। तो इससे है ना, एक तो ये सब काम करने में बच्चों को मज़ा बहुत आता है, दूसरा दे लर्न कि मम्मी क्या कर रही है। क्योंकि मैं जब बिगिन कर रही थी किचन में, और स्पेशली चॉकलेट वगैरह से डील करना, तो ये छोटी छोटी चीज़ें कि किस तरह कोट करना है, किस तरह मेल्ट करना है, मुझे कुछ भी नहीं आता था, मैंने सब पढ़ पढ़ के सीखा है। पर खुशी शानू को ये अभी से मालूम है, क्योंकि वो लोग इन्वॉल्व होते हैं, इंटरेस्ट लेते हैं इन चीज़ों में, और मुझे करते हुए देखते हैं। और हम लोग है ना रात को बैठे हुए हैं मूवी देखने के लिए, तो मैं बना रही हूँ पॉपकॉर्न, खुशी बना रही है यहाँ पर कॉफी, पीछे बर्तन अभी रखे हुए हैं वो धुलेंगे कॉफी के बाद, बिकॉज वी थॉट कि ये भी हो जाएंगे तो उसके बाद फिर साथ में सब धोएंगे। अरे ढक्कन दे, ढक्कन दे, ढक्कन दे, खुशी आराम से, आराम से, इजी, लगा दे, लगा दे, लगा दे। ज्यादा नहीं हो रही आपकी गुंडागर्दी, आपकी गुंडागर्दी ज्यादा नहीं हो रही। और ये नेक्स्ट मॉर्निंग मिल रही हूँ मैं आपसे, सुबह का सीन है, ब्रेकफास्ट बना रही हूँ मैं, और मैंने हस्बैंड से पूछा तो उन्होंने कहा कि पोहा बना लो, वैसे भी पोहा मेरे पास काफ़ी दिन से ही रखा हुआ था, फिर ये ना ख़राब होने लगता है, तो मैंने सोचा इसको बना लेते हैं बिफोर इट गो रैंसेड। तो इसको थोड़ा सा छान लूँगी सो दैट इसके अंदर का पाउडर, क्योंकि नीचे नीचे का पोहा था ना, तो ये जो पाउडर पाउडर सा रहता है वैसे तो धुलाई में निकल जाता है, बट अच्छी तरह से सारा नहीं निकलता, और फिर ये है ना पोहे को एक अलग सा टेस्ट भी दे देता है, और थोड़ा सा चिपचिपा भी बनता है पोहा, तो इसलिए मैंने उसको छान लिया है। ये सारा पाउडर मैं डिस्कार्ड करूंगी, पोहे को धुल करके सोक करने रख दिया है मैंने, छन्नी में धो करके उसे रख देती हूँ मैं, और तब तक मैं सारी प्रेप कर लूंगी। तो आज मैं पीनट वाला पोहा नहीं बना रही हूँ, तो प्रेपरेशन ज़्यादा है भी नहीं, मैं अनियन वगैरह चॉप कर रही हूँ।
और हमारे घर में एक वास्तु एक्सपर्ट आए थे, तो उन्होंने बोला था कि ये प्लांट बाहर रख दो, तो मैंने ये सारे प्लांट बाहर रख दिए हैं। कुछ तो बाहर ही रखे हुए थे, कुछ अंदर थे, तो उनको भी बाहर रख दिया है। और ये करी पत्ता पहले तो सूख रहा था, बट अभी अच्छे से हो रहा है टचवुड, और आसपास के पड़ोसी भी इसको यूज़ कर रहे हैं, चलो काम आ रहा है। वरना मेरा इतना बुशी हो जाता है, मेरा पूरा काम नहीं आता। मैं वैसे भी तोड़ तोड़ के सबको देती हूँ, बट ये है कि वो लोग है ना जल्दी जल्दी तोड़ लेते हैं, इसको ग्रो नहीं होने देते। थोड़ा बुशी हो जाएगा तो अच्छे से सभी को मिल पाएगा। खैर, मैं अपने ही प्लांट का करी पत्ता ले आई हूँ, इसकी खुशबू इतनी अच्छी लगती है, और मैं यहाँ पर अपनी तरह का सिंपल सा पोहा बना रही हूँ। मैंने ये वाला सूट पहन लिया, ये सभी सूट्स में ना पॉकेट्स हैं यहाँ ले आए। हाँ, लेकिन पर वो नहीं तो था ना। हाँ वही, पर मेरे को पापा का सूट का तो पता था ना। हाँ, तो उसी के बेस पे दो ही थे ना। हाँ, ये मम्मी पापा के कपड़े ड्राई क्लीनिंग के लिए दिए थे। शॉप कई दिन से बंद थी, अभी हम बाहर निकले तो ये खुली हुई थी, तो उठा लिया ये कपड़े भी। पकड़ना तो पड़ेगा ही सारा सामान। ये इसने बैग में क्यों नहीं दिया यार? हाँ, ये कपड़े हमने जिस बैग में दिए थे वो देना चाहिए था। तो डब्बे में ले आया। सीता मैंने घोड़े से ला दियो घोड़ा वो ऐसे पूरी सीता को ऐसे ऐसे कटी गई वो हाथ जैसे काम नहीं है ऐसे कटी दो। ऐसे हमारी कई सारी टीचर थी, उनकी मैं फालतू में ही फेवरेट थी, पता नहीं क्यों मुझे पसंद कर रही थी। ऐसी बहुत ऐसी थी जिनको कितना भी अच्छा लगा और अच्छी नहीं लगते थे। अरे एग्जाम में एग्जाम खुद बैठ गया थी सब सुनता अल्लाह वो करने के संग करने के लिए कम मिला रहा है। उन्हें पता था मैं इनको छह से आग बुझा रही उठा, उनसे मैं तैयारी करी सब कुछ करा है कि वजू से बोली वजू से कि कौन मिला रहा है वो एग्जाम में बैठ गया अपना आपकी स्कूल में उनसे अभी तक कोई छोड़ना नहीं सिखा। और हम लोग आए जूलर के यहाँ, वो सिल्वर हाउस जो है सिल्वर वाला। ये अच्छी लग रही है मुझे। नहीं अच्छी लगी तुम्हें? मैंने है ना पहले ही से ही प्रॉमिस कर दिया था सबको कि इस वीकेंड में पिज़्ज़ा बनाऊंगी। मेरे हस्बैंड को, बच्चों को भी पिज़्ज़ा बहुत अच्छा लगता है, पर बहुत लेट हो गया था। बट आई वाज लाइक कि नहीं, बनाना तो है। तो मैंने यहाँ पे 3 कप ले लिया है फ्लावर, और इसके सामने 1 कप एंड 1/3 कप ल्यूकॉम वाटर ले रही हूँ मैं। 1 टीस्पून ईस्ट, 1 वेट इंग्रेडिएंट वाला बोल है जिसके अंदर पानी लिया है उसके अंदर ही ऑयल मिक्स करूँगी। तो यहाँ पे मैंने लिया है ये एक्स्ट्रा वर्जिन ऑलिव ऑयल। अगर आपके पास ऑलिव ऑयल है तो उससे अच्छा कुछ भी नहीं, बट आप कोई भी वेजिटेबल ऑयल भी ले सकते हो, रिफाइंड ऑयल जो होता है जिसमें ज़्यादा खुशबू और टेस्ट ना हो। और 3.5 टेबल स्पून ये ऐड कर दिया है। 1 चम्मच चीनी डालनी है, बट ये पाउडर्ड शुगर है तो आपको 1.5 चम्मच जैसी दिख रही होगी। 1 टेबल स्पून इन टोटल आपको शुगर ऐड करना है। और इसके बाद ये जो आटा है आपको ल्यूकवॉर्म पानी में ही मिक्स करना, मतलब पानी तो कंसिस्टेंटली आपको पूरी प्रोसेस में ल्यूकवॉर्म ही इस्तेमाल करना है। इस चीज़ का ध्यान रखिएगा, आटा मिला दीजिए वेट मिक्स के अंदर और इसको फोल्ड कर लें। अगर ये थोड़ा सा चिपचिपा नहीं हो रहा है, हाँ मैं यहाँ पे थोड़ा सॉल्ट भी ऐड करूँगी, इसको ज़्यादा नीड करने की ज़रूरत नहीं है। आपने देखा होगा जब हम पिज़्ज़ा हट जाते हैं तो उन लोगों का जो बेस होता है वो अलग से बटरी एंड सॉफ्ट होता है। मैं घर में पिज़्ज़ा बनाती हूँ, सबको अच्छा तो लगता है, बट मेरे हस्बैंड की ये डिमांड रहती है कि
थोड़ा पिज़्ज़ा हट टाइप का बेस बनाओ, थोड़ा वो मैं क्या थिन क्रस्ट बनाती हूँ तो वो क्रिस्पी एंड टेस्टी वैसा वाला बनता है, पर उनको वो अच्छा लगता है, पर उनको चाहिए पिज़्ज़ा हट जैसा डोई और थोड़ा बबल बबल वाला होता है ना। तो इसके लिए फिर मैंने आज आटा एकदम सॉफ्ट लगाया है, तो सॉफ्ट आटा लगाने के लिए जितना पानी लगे उतने पानी को आप डाल डाल के बस लगाना क्या है, इसको मिक्स करके रख दीजिए प्रूव होने के लिए आधा घंटा। तो ये जो डो है ये काफ़ी ज़्यादा चिपचिपा सा है, तो इसको हैंडल करने के लिए वापस से मैंने हाथों पे तेल लगा लिया। आप हाथों पे थोड़ा पानी भी लगा सकते हो, पानी मैंने इसलिए नहीं लगाया कि कहीं ये और ढीला ना हो जाए, और क्योंकि इतना पतला इसको नीड तो कर नहीं सकते। तो आधे घंटे बाद ये इतना अच्छा राइज हो गया था। अब मैं इसे बस फोल्ड कर रही हूँ। बेकिंग में फोल्डिंग इज़ वेरी क्रूशियल, ये आपके ब्रेड को एक अलग ही टेक्स्चर देती है, तो इसे नीड नहीं कर सकते, इसे फोल्ड कर करके सॉर्ट ऑफ नीड ही कर रही हूँ मैं। तो अच्छी तरह से 2 times मैंने यहाँ पर फोल्ड कर है और इसको वापस हाफ एन आवर में प्रूव होने के लिए रखूंगी। मीन वाइल इसकी जो टॉपिंग रहेगी वो मैं तैयार कर ले रही हूँ। अब टॉपिंग कम्प्लीटली आपकी चॉइस है, आपको मार्गरीटा पसंद है तो सिर्फ चीज़ डाल सकते हो, पनीर पसंद है तो पनीर का कुछ भी आप मैरिनेट करके तैयार कर सकते हो टॉपिंग, अगर आप नॉनवेज खाते हो तो उस तरह की टॉपिंग तैयार कर लीजिए। तो टॉपिंग कम्प्लीटली आपकी चॉइस है, ऑलिव्स जैलेपिनोज जो आपको पसंद आता हो वो आप इस वक्त पे तैयार करके रख लें। मैं पनीर की टॉपिंग लगा रही हूँ, तो मैंने प्याज स्लाइस में काट लिया था, थोड़ा सा पनीर ले लिया था, इसमें मैगी वाला मसाला ऐड कर दिया है, थोड़ी सी लाल मिर्ची का पाउडर ऐड किया है, थोड़ा सा गरम मसाला ऐड किया है, मैगी वाले मसाले में नमक होता है इसलिए नमक नहीं डाला है, थोड़ा सा ऑयल डाल दिया है मैंने, यही ऑलिव ऑयल ही डालूंगी। आपके पास ऑलिव ऑयल नहीं है तो आप बटर, घी, वेजिटेबल ऑयल किसी का भी इस्तेमाल कर सकते हो। टॉस कर करके इसको रख दीजिए मैरिनेट होने के लिए, हाफ एन आवर जैसा लगेगा इसे मैरिनेट होने के लिए, और उधर जो हमारा जो बेस है उसको भी अभी हाफ एन आवर तो लगेगा ही। मीनवाइल घी बना रही थी मैं, आपको बताया था मैं फ्रीज़र खाली कर रही हूँ, तो जितनी मलाई इकट्ठी होती जाती है वो उसका मैं फटाफट घी बना लेती हूँ। तो घी हो गया था रेडी, इसको मैंने छान लिया है। और अभी ये जो हमारा डो है इसको वर्क करेंगे और इसका पिज़्ज़ा बनाएंगे। तो ये डो काफ़ी चिपचिपा है, तो हर वक्त आपको आइदर फ्लावर और ऑयल की ज़रूरत पड़ेगी, वरना ये थोड़ा सा चिपकेगा। मैंने इसके 3 portions बना लिए हैं जो क्लियरली इक्वल नहीं है, तो साइड के ये जो छोटे छोटे हैं मैं भी रख दूँगी, और जो बीच में एक बड़ा सा है विच इज़ ऑलमोस्ट लाइक 30-35% सारे पोर्शन का, ये बड़ा सा हो गया था, तो इसका पिज़्ज़ा मैं पहले बना लूँगी। ये देखिए ये जहाँ जहाँ फ्लावर नहीं है वहाँ वहाँ चिपक रहा है, तो इसलिए मैं बोल रही हूँ थोड़ा सा ऑयली फ्लावर की आपको हर वक्त ज़रूरत लगेगी। ये जो दो आप बन जैसे देख रहे हो इसका आप आगे बन भी बना सकते हो, क्योंकि ये मल्टीपर्पज़ डो है, तो इसी डो से आप फर्दर ब्रेड्स बना सकते हो, इसी से पिज़्ज़ा बना सकते हो और इसी से बन वगैरह बना सकते हो। तो वो जो दो हैं उनको मैं फर्दर प्रूव होने के लिए रखूँगी, और ये जो एक है इसको पिज़्ज़ा वर्क करेंगे। तो इसको मैंने टक कर लिया है, हमेशा आगे से खींच के पीछे की तरफ अंदर की तरफ टक कीजिए जब तक ऊपर से स्मूथ दिखने लगे। हल्का मैंने हाथों पे आटा लगा लिया था, इसको स्प्रेड कर लिया है। आपको लगेगा कि ये तो चिपक गया पार्चमेंट पेपर पर इस चिपकने से नीचे से बहुत अच्छा सिक जाएगा और चिपकेगा नहीं जैसे ही कुक होएगा, यही पार्चमेंट पेपर का फ़ायदा है, जैसे ही ये कुक हो जाएगा अपने आप हट जाएगा। तो इसको स्प्रेड कर लें, इसके ऊपर स्प्रेड करें थोड़ा ऑलिव ऑयल, स्प्रेड करें पिज़्ज़ा सॉस। मैं इस वक्त जो इस्तेमाल कर रही हूँ डेल मोंटे का है, ये आप मत यूज़ करिएगा क्योंकि ये थोड़ा सा मीठा लगा हम लोगों को, थोड़ा सा इसकी वजह से ऐसा शो स्टॉप जैसा फील आ रहा था, मज़ा नहीं आया इसमें, तो कोई और दूसरा आप यूज़ कर सकते हो। इसके बाद मैंने इसके ऊपर मोज़रेला चीज़ स्प्रेड कर दिया है, आप 4 cheese भी यूज़ कर सकते हो, मोज़रेला ही यूज़ किया जाता है तो मैंने वही डाल दिया है। जो भी चीज़ आपने एज़ टॉपिंग तैयार की हो वो यहाँ पर स्प्रेड कर दीजिए। मैंने 1/3 जैसा यहाँ पर स्प्रेड कर दिया है ऑफ टोटल टॉपिंग जो मैंने प्रिपेयर करी थी, हल्का सा चीज़ ऊपर डाल रही हूँ, कम्प्लीटली
कोई ऑप्शनल नहीं डलता है जो कमर्शियल पिज़्ज़ा वाले जो सेलर्स होते हैं लाइक पिज़्ज़ा डोमिनोज वगैरह, वो ऊपर से फिर चीज़ नहीं डालते, सबसे ऊपर टॉपिंग ही डालते हैं। बट आपका चॉइस करें और चीज़ें के लिए तो आप डाल सकते हो। ऊपर से ज़रा सा चाट मसाला स्प्रिंकल करा है, ज़रा सा ऑलिव ऑयल स्प्रिंकल करा है। चाट मसाला इज़ कम्प्लीटली ऑप्शनल, वो मैं खुद डालती हूँ, थोड़ा मुझे अच्छा लगता है उसका टेस्ट। बट ऊपर से थोड़ा ऑलिव ऑयल ज़रूर से डालिएगा, उससे बहुत अच्छा मॉइस्ट एंड बढ़िया ये बनता है। और बेक करें, रख दीजिए इसको 220 डिग्री सेल्सियस पे प्री हीटेड ओवन में, दोनों ही जो रॉड है वो ऑन रहे, फैन ऑन रहे 15 मिनट्स के लिए। और ये देखिए मैं आपको काफ़ी नज़दीक से दिखा रही हूँ पिज़्ज़ा की हालत। साइड्स देखिए इतने थिक हो गए हैं कि अच्छा बबली पिज़्ज़ा बनेगा जैसा आपको पिज़्ज़ा हट में मिलता है। ढक्कन नहीं खोलना है, मैं ढक्कन खोल के वरना आपको दिखा देती, ढक्कन खोलेंगे तो ये फ्लैट पड़ जाएगा। इसको ऐसे ही बेक होने दीजिए। लुक एट दिस, कितनी अच्छी खुशबू आ रही है और ये बस होने ही वाला है। लुक एट दिस हाउ फ्लफी इट इज। और एक्चुअली ज़्यादातर प्रॉब्लम होती है कि पिज़्ज़ा नीचे से नहीं सिकता, ये नीचे से भी बहुत अच्छा हुआ है। वेट, सी इफ यू कैन सी दैट ब्राउनिंग, बहुत अच्छा पिज़्ज़ा हुआ है। और जो बड़ा वाला पोर्शन था वो मैंने एक साथ बना लिया, और इसको मैं छोटे छोटे हैं ना ये, तो दोनों को एक साथ बनाऊंगी। लास्ट वाले में क्या हुआ था, ये राइस हो गया था तो किनारे पे से फिर जो अपना ये था तो किनारे पे से अपना पिज़्ज़ा सॉस गिर गया था, तो इसलिए मैं इसको थोड़ा इस तरह से कि साइड में थोड़ा सा ये वॉल्स जैसी रहे इस तरह से स्प्रेड कर रही हूँ। ऑल्सो उसकी कंडीशन देख के मुझे याद आया मैं इसे प्रिक करना भूल गई थी, तो इन वालों को प्रिक भी कर लेंगे। मैं पिज़्ज़ा की रेसिपीज़ आपके साथ कई बार शेयर कर चुकी हूँ, बट इस तरह का डो पहली बार शेयर कर रही हूँ। मैं लडी पाव बनाती हूँ घर में, तो बन पाव वो जो होता है वो कैसे सॉफ्ट निकलते हैं, तो उसी हिसाब से मैंने सोचा कि इसके बेस को भी अगर सॉफ्ट रखा जाए तो ये सॉफ्ट निकलेगा एंड रिजल्ट्स वर गुड। बट इसको थोड़ा सा स्प्रेड करना और टॉप करना थोड़ा सा ट्रिकी था। और शाम में मैं जो ज्वेलर के यहाँ गई थी, एक्चुअली सिल्वर हाउस गई थी, तो मैंने वहाँ से ली अपने लिए पायल, तो मैं आपको वो दिखा देती हूँ क्योंकि कुछ मेरे दोस्त बहुत इंटरेस्टेड रहते हैं जानने में, मुझसे खुल नहीं रहा एक हाथ से, मैंने एक हाथ में कैमरा पकड़ा हुआ है। वन सेकेंड, अच्छा मैं उधर से खोल रही थी, उधर से तो खुलना भी नहीं था, तो मैं आपको ये खोल के दिखाती हूँ। पहले तो मैं आपको बताऊँ, मैंने ना दो पायल लिए हैं, एक मैंने पहने हुए हैं, मुझे एवरीडे के हिसाब से एकदम सिंपल वाले चाहिए थे, तो ये इस तरह के हैं। इसमें घुंघरू ज़्यादा नहीं है, छोटे छोटे से दो घुंघरू हैं और एक ये ऐसे ही डाल रखा है, तो ये ज़्यादा बचती नहीं है, मुझे घुंघरू ज़रा कम पसंद है, पर मैं शायद ये निकाल दूँगी। पर ये ऐसे सिंपल सी मैंने ली है जो कपड़ों में भी नहीं फंसे और जिसका डिज़ाइन में कुछ नहीं हो, ये आप देख रहे हो, तो ये मैंने आते से ही पहन ली। और एक ये वाला, ये थोड़ी सी डिज़ाइनर ली है मैंने, और मैं आपको ये दिखा दूँ। मैंने एक्चुअली अभी लेटली कहीं पढ़ा कि पायल पहनना इज़ गुड हेल्थ रीज़न से भी, तो ये देखें, ये देखिए ये है इसका डिज़ाइन, ये बीड्स हैं बस बीच में, और ये घुंघरू थोड़े इसमें ज़्यादा घुंघरू हैं, पर सुंदर लगी मुझे। आप बताना आपको कैसी लगी।